नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज भी मैं मौजूद हूं मुंबई, जहां पर आज इंडिया अलायंस की बैठक का दूसरा दिन है। कल का पूरा दिन गहमा गहमी भरा रहा। तमाम दिग्गज सियासी दल यहां एक छत के नीचे एकत्रित हुए हैं और मंत्रणा कर रहे हैं 2024 की रणनीति को लेकर, किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, अपनी सरकार खड़ी की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। इसे लेकर आज औपचारिक बैठक का दिन है और आज यहां से निकलने वाली सभी बड़ी खबरें सबसे पहले मैं आपको इंडिया टीवी पर दिखाने जा रही हूं। कल शाम से शुरू हुई बैठक रात तक चलती रही और विद इन क्लोज डोर्स ये चर्चा चलती रही कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या निकलेगा। चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राम गोपाल यादव हो, कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। अगर जैसे उमर अब्दुल्ला के ही बयान का मैं जिक्र कर लूं तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बार बार हर दो महीने में मिलते रहने का कोई मतलब नहीं है अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात तय नहीं कर ली जाती। हमारे सभी संवाददाता मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़े हुए हैं, कुमार राजेश, दिनेश मौर्य, जो इन क्लोज डोर्स के अंदर जो चर्चा चल रही है वो निकलकर आपके सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की बैठक से पहले गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को लेकर मांग जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक में अब ये तय हो जाना चाहिए कि 2024 में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय करने की बात कही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो कि 80 सीटों वाला प्रदेश है और उसकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पूरे देश में होगी और हर जगह होगी। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सीट शेयरिंग पर बात होनी ही चाहिए। हमारे साथ इस खबर पर सचिन और विजय लक्ष्मी जुड़े हुए हैं। सचिन, पहले आप ही के पास आते हुए कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, अगर ये नहीं निकाला गया तो फिर इस अलायंस की आज की इस बैठक का फिर औचित्य क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इस बात पर तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। आज का जो मैं प्रमुख तौर पर बता दूं कि एजेंडा ये है कि 10:15 बजे फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद जो है लोगों पर डिस्कशन होगा और उसको फाइनल किया जाएगा। उसके बाद इंडिया अलायंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर जो है चर्चा की जाएगी और उसमें काफ़ी गहन चर्चा होगी, जिसमें कई सारी कमिटीज़ बनाना, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या फिर प्रचार की कमेटी हो या फिर प्रवक्ताओं की बातचीत हो, अलग अलग कमिटीज़ बनाए जाएंगे। हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी है, कल भी आप होटल में थी, कई लोगों से आप मिली डिनर के बाद। सीट शेयरिंग को लेकर खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आप पार्टी जो है अभी से रट लगाई कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्द सुलझना चाहिए, क्योंकि उनको चिंता पड़ी कि आगे क्या होगा, अगर बात आगे निकल जाएगी तो उनके हिस्से में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि बात बनेगी, आज कुछ होगा उस पर? देखिए सचिन, आज का जो मेन डिस्कशन है वो सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है और कल राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और बड़े नेता भी हैं, उनकी तरफ से ये बात रखी गई थी कि सीट शेयरिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और तमाम जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो ये बात समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत है और कहीं सबसे ज़्यादा सीट आने की संभावना उनको है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स को ये मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय कर दिया जाना चाहिए और खासतौर से यूपी जैसे स्टेट्स में, ताकि तैयारी जो है वो वहाँ पर की जा सके कि आगे कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, तो उस हिसाब से पार्टीज़ अपने कैंडिडेट तय कर सकें और आगे चुनाव में जाने को लेकर के तैयारी की जा सके। क्योंकि कांग्रेस का अगर परफॉर्मेंस देखें सचिन तो बहुत अच्छा नहीं था पिछली बार। विजय लक्ष्मी, आप डायरेक्टली मुझे नहीं पता आप सुन पा रही हैं या नहीं, लेकिन सचिन आप विजय लक्ष्मी से जरूर पूछिए। अब देखिए, जहां तक बात हुई पंजाब की, जहां तक बात हुई दिल्ली की, ये फॉर्मूला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात हो गई और अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसका मतलब तो ये वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव बना चुके हैं।
देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का रास्ता दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, उससे लगकर दिल्ली है और फिर पंजाब है, तीनों जगह पर एक तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां पर उनकी बातचीत होगी, दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि इतना बड़ा स्टेट है तो वहां पर अभी से अपना स्टेक जो है दिखा रहे हैं रामगोपाल यादव या फिर अखिलेश यादव। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली पंजाब, पंजाब में हालांकि कांग्रेस पार्टी के एमपीस की संख्या ठीक ठाक है, और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पिछला परफॉर्मेंस अगर आप लोकसभा में देखें तो बहुत ज़्यादा खराब था कांग्रेस पार्टी का, और विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। तो ऐसे में जो वहाँ पर और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, मसलन समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए और ज़्यादा सीटें उनको लगता है। इंडिया अलायंस में एक सोच ये है कि सीट्स पे विनेबिलिटी सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।